है कि जब तक हनीप्रीत जेल से नहीं आई थी, यही जानकारी थी। लेकिन अगर आपको पता चले भी ये जानकारी झूठ है या झूठ बना दी गई है, तो आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाते हैं। अब ये कितना सच्चा है ये आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा, और जो सच्चा है तो यूपी वाले से उसका जवाब मांग लीजिएगा। आपको एक कागज़ दिखाते हैं, जरा इस कागज़ को अपनी स्क्रीन पे देखिएगा और गौर से देखिएगा भी क्या है ये कागज़। पैटर्न इन चीफ को संस्था का प्रबंधक कहा जाता है, और उसके बाद नीचे ट्रस्टीज़ होते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ होता है, और उसमें आप अलग अलग डेजिग्नेशन लोगों को देते हैं, चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन। तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का जो हेड होता है उसे चेयरपर्सन कहा जाता है। तो ये ट्रस्ट के अंदर क्लॉज है, और डेरिया का जो ट्रस्ट है, डेरिया सच्चा सौदा, उस ट्रस्ट में जो सारे अधिकार हैं वो सिर्फ और सिर्फ हजूर महाराज जी को दिए गए हैं। पैटर्न जिसे कहा जाता है, पैटर्न इन चीफ या पैटर्न कहा जाता है, उसे अधिकार दिए गए हैं। तो इसमें क्या है कि एक लिखा गया है, अभी खून के रिलेशन में कोई ऐसा है वो क्लेम नहीं कर सकता किसी तरह का डेरे के ऊपर, जैसे मतलब शाही परिवार का किसी भी तरह का क्लेम नहीं है डेरे के ऊपर, ये मतलब लिखा गया है इसमें। लेकिन इसके नीचे एक क्लॉज है, इसमें आपको रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ की स्टैंप भी बीच में दिखाई दे रही होगी, लेकिन उसके नीचे एक क्लॉज है, इस क्लॉज को जरा पढ़िएगा। इसमें क्या लिखा है, मिस हनीप्रीत सोशली अडॉप्टेड डॉटर एंड ऑल्सो क्लोज डिसिपल ऑफ हजूर महाराज संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान। एड्रेस लिखा गया, ऑक्यूपेशन लिखा गया, लेकिन उसके बाद आपको जो देखना है वो है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन में चेयरपर्सन एंड ट्रस्टी, और उसके नीचे एक और नाम दिया गया विपासना चावला, और उसे ट्रस्टी दिखाया गया। अब आप ये सोचिए भी हनीप्रीत को चेयरपर्सन कब बनाया गया। असेच आणखी व्हिडिओ आणि बातम्यांसाठी डाउनलोड करा दिव्य मराठी ॲप।